हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पर है। तो आज से हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका टॉपिक सेल बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक से अगर हम बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चंस जो है आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट वायरसेस। केवल वायरस को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपके इस अर्थ पर पाए जाते हैं, सबकी बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बनी होती है, मीन्स सेल की बनी होती है, ठीक है, ट्रू सेल की बनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ सेल। तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक कोशिका या जो एक सेल है, ये एक स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेल अपने आप में बहुत ही छोटा और कंप्लीट एक्सप्रेशन है सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर का, ठीक है, और सारे फंक्शंस का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन का ये एक यूनिट है, ठीक। अगर हम बात करें, ये एक यूनिट है, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। जिसके पास ये क्षमता होती है कि वो हेरिडिटी की भी क्षमता होती है, मीन्स कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी अपने करेक्टरिस्टिक फीचर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोशिका अपने आप में एक सबसे छोटा कंप्लीट एक्सप्रेशन है फंडामेंटल स्ट्रक्चर का, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग की बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो एक सेल के अंदर, ठीक है, ये सारे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके रेस्पिरेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल हैं आपके डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ये सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक सेल में मौजूद होते हैं और सारे फंक्शन एक सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक। तो होप सो आप सेल की परिभाषा को समझ पाए होंगे। ये यहाँ पे हम आपको सेल की जो डिफिनीशन है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म में बता रहे हैं कि अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो अब हम बात करेंगे द ऑर्गेनिज्म विथ वन सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक कोशिका है, वन सेल, तो उस ऐसी बॉडी को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, वन यूनिट या वन सेल एनिमल, ठीक है। तो द एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल होगी उसी में सारे फंडामेंटल करेक्टर बॉडी के, ठीक है, मीन्स एनिमल के सारे फंडामेंटल करेक्टर एक सेल से परफॉर्म होंगे। वो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, वो आपका डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, या फिर रिप्रोडक्शन हो, लोकोमोशन हो, ठीक है। इट इज़ डन बाई ओनली वन सेल, एक सेल से ही वो कंप्लीट, वो एक सेल ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा, उसी सेल के द्वारा सारे काम किए जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें द ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास मोर देन वन सेल होती है, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को छोड़ करके जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल हैं वो सब आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है एक्सेप्ट वायरसेस। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द वायरसेस इज नॉट ट्रू सेल। हम वायरसेस को सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है। तो द आंसर इज, हम बात करें, वायरसेस आर नॉट सेल बिकॉज जितने भी आपकी सेल्स होती हैं उनमें आपके न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड, वो चाहे आपके डीएनए हो या आपके आरएनए हो,
ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट आपका जो वायरसेस होते हैं उनमें इन दोनों में से कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। या तो आपका वायरस डीएनए वायरस होगा या वायरस आपका आरएनए वायरस होगा। किसी भी वायरस के पास आपका दोनों न्यूक्लिक एसिड मीन्स आपके दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न यहीं पे आता है, इसीलिए हम लोग वायरस को ट्रू सेल या ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, जनरली हम लोगों ने वायरस की जो स्टडी की है या जब हम वायरसेस को देखते हैं तो उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक कोर, ठीक है, या एक एनवलप के अंदर पैक होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो और हम बात करें कि जितने भी वायरसेस आपके होते हैं दे बिकम एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव हो जाते हैं व्हेन दे अटैक ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग होस्ट, ठीक है, जब ये किसी लिविंग होस्ट पर अटैक करते हैं। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में ये लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी होस्ट बॉडी में जाने के बाद ही ये आपके एक्टिवेट होते हैं, लिविंग फॉर्म में आते हैं और केवल इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चाहे आपका डीएनए हो या आरएनए वही आप होस्ट बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो ये आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो चाहे डीएनए और आरएनए, ये आपका जो भी होस्ट बॉडी होगी, ठीक है, जो भी होस्ट सेल होगा, होस्ट सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर टेक ओवर करेगा और होस्ट सेल के की मशीनरी को यूज़ करके, ठीक है, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करके ये अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करेगा ये वायरस, और मल्टीप्लाई करके होस्ट सेल में अपने नंबर को बढ़ाएगा, और अपने नंबर को बढ़ाने के बाद फिर ये पैक इसमें जो भी इसका ये कवरिंग है, ये प्रोटीन की जो कवरिंग है, ये दोनों का फॉर्मेशन होगा और ये अपनी प्रोटीन की कवरिंग में पैक होगा और होस्ट सेल को किल करके ये फिर से फर्दर बाहर होस्ट बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो हम बात करें वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस इट्सेल्फ, ठीक है, ये वायरसेस के पास क्षमता नहीं होती है कि ये अपने अपना रिप्रोडक्शन खुद कर सके, ये डिपेंडेंट है किसी होस्ट सेल के ऊपर अपने रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि अगर हम बात करें कोई भी हमारी जो सेल होती है, ठीक है, सेल के पास कैपेसिटी होती है सेल्फ रिप्लिकेशन की, ठीक है, इसके पास कैपेसिटी होती है सेल्फ रिप्रोडक्शन की, या हम बात करें सेल्फ रिप्लिकेशन की। बट जो वायरसेस होते हैं वायरस के पास सेल्फ रिप्लिकेशन या सेल्फ रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये होस्ट सेल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम लोग वायरसेस को ट्रू सेल या ट्रू ऑर्गेनिज्म की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप जो भी बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट ने सेल के दो प्लान बताए हैं। तो बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज टू फंडामेंटल डिफरेंस प्लान ऑफ अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज आर टू टाइप ऑफ सेल, नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। तो द फर्स्ट इज इट इज फाउंड सिंपलर इन बैक्टीरिया, ठीक, ये बैक्टीरिया में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल, एंड बाकी सब में आपका यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो हम बात करें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो, प्रोटोजोआ हो, या आपके प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, बाकी सब में आपका यूकैरियोटिक सेल जो है का प्लान पाया जाता है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें अगर, तो द मीनिंग ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक, तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव बिफोर, ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर, एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक, तो आपका ऐसी सेल जो कि प्रिमिटिव थी बिफोर इवोल्यूशन, ठीक है, मीन्स इवोल्यूशन से पहले जब आपके
अर्थ पर जो है आपके ओरिजिन हुई, सबसे पहले जिन एनिमल्स की ओरिजिन हुई उसमें आपका प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती थी। इवोल्यूशन से पहले की ये सेल है, आफ्टर इवोल्यूशन आपका यूकैरियोटिक सेल की जो है ओरिजिन हुई। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर इवोल्यूशन, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपका इवोल्यूशन से पहले का न्यूक्लियस या हम बात करें तो ऐसी सेल जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका को या ऐसी सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट, बहुत सिंपलर होती है ये, और ये आपके बैक्टीरिया में पाई जाती है। लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो आपके जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की ओरिजिन अर्थ पर हुई है। नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे आपका ईयू वर्ड मीन्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स आपकी ऐसी सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ऐसी कोशिका को हम लोग जो है यूकैरियोटिक सेल कहते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, केवल आपका अगर हम सबसे मेजर डिफरेंस की बात करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में, तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। आपका यूकैरियोटिक सेल में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इस न्यूक्लियस की वजह से, ये न्यूक्लियस ही आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका, मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव और इवोल्यूशन से पहले, ठीक है, बहुत ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, दीज आर सिंगल एनवेलप सिस्टम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी एंड अदर वन डे एग्जाम्स, कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके पास सिंगल एनवेलप सिस्टम पाया जाता है और वन एनवेलप सिस्टम, सिंगल एनवेलप सिस्टम का मीन्स, सिंगल मीन्स वन या एक, ठीक है, एंड एनवेलप मीन्स लिफाफा। ठीक है, ऐसा सेल जो केवल जिनके पास केवल एक कवरिंग पाई जाए। ठीक, तो हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो काफ़ी डीपली ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, इनके पास सेंट्रल न्यूक्लियर कंपोनेंट होता है। ठीक, अगर हम एक सेल को बनाएं इस तरीके से, तो जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट होगा वो पेरीफेरी पे सिचुएटेड ना होकर के सेंटर में सिचुएटेड होगा। ठीक, मीन्स इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में सिचुएटेड होता है, और जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट हैं वो, हम बात करें आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, वो सबके सब आपके सेंटर में सिचुएटेड होंगे। ठीक है, एंड दिस इज सराउंडेड बाई प्लाज्मिक सब्सटेंस। ठीक, और जो भी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होगा उसके इसके आपके चारों तरफ पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें सिंगल एनवेलप का मतलब कि केवल आपका ये पेरीफेरी पर, ठीक है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ठीक, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग के बाद अंदर कोई भी, बात करें न्यूक्लियस आपका, वो न्यूक्लियस में भी इन्वेलप नहीं होगा, मीन्स न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, और जो भी आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होंगे वो भी कवर्ड नहीं होंगे। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल आपका डबल एनवेलप सिस्टम होता है, और वहाँ पे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो भी अंदर आपके ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल के पास भी मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। मीन्स आपका, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, आउटसाइड में ये आपका, आउटसाइड में इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर साइड में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस भी कवर्ड एनवेलप्ड होता है, मीन्स ये कवर्ड होता है, और इसके पास इंडोप्लाज्मिक जो है आपका सिस्टम होगा जो कि मेम्ब्रेनस सिस्टम है,
और इसी इंडोप्लाज्मिक सिस्टम के बाद आपका गोल्जी बॉडी इन्हीं से बना होगा, ठीक है। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, तो जितने भी आपके यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो भी कवर्ड होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डबल एनवेलप सिस्टम, एक आपकी बाहर कवरिंग और एक ये अंदर की तरफ कवरिंग, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी आपकी ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जितने भी आपके यहाँ पे रिस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिस्पिरेटरी एंजाइम होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाएंगे इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका ना तो आपका न्यूक्लियस और ना ही आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम किसी मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस भी और आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम एक मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर बंद हैं। इसीलिए ये आपका यूकैरियोटिक सेल डबल एनवेलप सिस्टम कहलाता है और प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल एनवेलप सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे और फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है कि ये आपका किस तरह का वर्ड है, तो ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। ई यू मीन्स ट्रू और जेन्युइन एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनके पास ट्रू जेन्युइन न्यूक्लियस पाया जाएगा, इस तरह की सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जैसा कि प्रीवियसली अभी आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल एक डबल एनवेलप सिस्टम है और इसके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है और न्यूक्लियस वो मेम्ब्रेनस सिस्टम से कवर्ड रहते हैं। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे और साथ ही साथ जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस की स्टडी करेंगे। दीज आर सम फॉलोइंग कैरेक्टर दैट शो द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है द एब्सेंस ऑफ ए मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका कोई भी जो है न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फीचर है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो ट्रू ना हो, जिसके जो है चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन ना पाई जाए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन लिमिटेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लिमिटेड, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। हम बात करें द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी एपरेटस, ठीक है। तो आपके कोई भी मेम्ब्रेन लिमिटेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। द थर्ड इज बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केवल एक, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है एंड रिप्रेजेंट्स अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो जब हम आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी में जो है प्रोकैरियोट का रिप्लिकेशन पढ़ाएंगे, तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक का रिप्लिकेशन अलग तरीके से होता है एंड यूकैरियोटिक का रिप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, ठीक। क्योंकि आपका प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल है वो केवल एक क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है, ठीक है, और वो क्रोमोसोम आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। केवल छोटा सा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है।
और जबकि अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ह्यूमन में आपका जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम, मीन्स आपका 46 क्रोमोसोम्स। इसी तरीके से आपका जो जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपके डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसी में 23, किसी में 46, किसी में 90, 100, मोर देन 100, ठीक है। तो आपका जब इतने सारे क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ठीक, और सारे क्रोमोसोम को सेल के अंदर कॉम्पैक होना होगा, ठीक, एक न्यूक्लियस के अंदर बंद होना होगा। तो यूकैरियोटिक सेल में इतने सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उन क्रोमोसोम को पैक करके एक न्यूक्लियस के अंदर रखना पड़ता है। तो ऐसी पैकिंग के लिए हमें एक बेसिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो बेसिक प्रोटीन हमारा हिस्टोन कहलाता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक प्रोटीन हिस्टोन हम लोग यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम को बिल्कुल पैक करके एक सेल के अंदर, पैक करके एक न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं आपका प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में आपका केवल सिंगल क्रोमोसोम है जो कि आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बहुत छोटा है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस बेसिक हिस्टोन प्रोटीन की। सो द बेसिक हिस्टोन प्रोटीन विच आर फाउंड इन द क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर टोटली अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पूरी तरीके से जो है अब्सेंट होता है जो है आपका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में। तो होप्स आप बात को समझ पाए होंगे। यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक में सिंगल जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम है जिसपे आपके सारे जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में आपके मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बेसिक प्रोटीन जो कि हिस्टोन होती है, जो कॉम्पैक्ट करने का काम करती है, पैकिंग का काम करती है आपके बहुत बड़े क्रोमोसोम को, यूकैरियोटिक के बहुत बड़े क्रोमोसोम को पैक करती है, तो ये प्रोटीन आपकी हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोकैरियोट में अब्सेंट होती है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज वो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इनमें न्यूक्लियोलाई नहीं पाया जाता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई भी पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलाई भी होता है, और इस न्यूक्लियोलाई का जब हम आपको आगे आरएनए वगैरह जब पढ़ाएंगे डिटेल में तो हम बताएंगे यहाँ से आपका 5S आरएनए का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलाई से। तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलाई अब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट साइटोस्केलेटन, ठीक है, आपके साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट, ठीक, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक, ये सारी चीज़ें अब्सेंट होती हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडीज, ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना होता है, सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडी अब्सेंट होती है। तो जब आप लोगों ने इस तरीके से कभी फ्लैजिला की स्टडी की होगी तो आप लोगों ने देखा है कि फ्लैजिला इस तरीके से बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है, ठीक, और उस फ्लैजिला में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक, साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं जो कि आपका एक्टिन, मायोसिन इस तरीके से प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। तो इस तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज नॉन स्केल, मीन्स आपकी कभी भी प्रोकैरियोट में सेलुलोज की जो है वो सेल वॉल जो है नहीं पाई जाएगी। सेल वॉल की जो सेल वॉल होगी प्रोकैरियोट में कभी भी सेलुलोज की बनी नहीं होगी, जबकि हम लोग यूकैरियोट सेल में देखें तो हमारी जो प्लांट सेल होती है वो हमारी सेल वॉल उनमें पाई जाती है, और प्लांट सेल में जो है वो सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल आपकी यूकैरियोटिक सेल है। जबकि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की बनी होती है। तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनर के सामने ये कंफ्यूज होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को बताते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि हम, वो ये सोचने लगते हैं कि हम जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बता रहे हैं, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है,
प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक, जो कि सेलुलोज का बना होता है। बट यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को देख रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि प्रोकैरियोट में जो भी सेल वॉल होती है वो कभी सेलुलोज की बनी नहीं होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरीज रिस्पायरेटरी एंजाइम, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बाहर की कवरिंग, इस यही कैरी करती है आपके रेस्पिरेटरी जो है एंजाइम्स को, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो आपका एंजाइम रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोगों ने कभी पेरोक्सीसोम का नाम सुना होगा, तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और फोल्ड हो करके पेरोक्सीसोम का जो है फॉर्मेशन करती है, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो है वो सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं इन प्रोकैरियोट सेल। मींस आपके बैक्टीरिया में इस तरीके से रेस्पिरेटरी जो एंजाइम होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल नेवर शो अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, आपका कभी भी अमीबॉइड मूवमेंट नहीं शो करेगा प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, कभी भी अमीबॉइड मूवमेंट शो नहीं करेगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो राइबोसोम होगा दैट इज 70S टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि हम लोग बात करें 80S टाइप इन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन कैसे हुई। तो जब मैंने आपको प्रीवियसली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया प्रो मीन्स प्रिमिटिव और बिफोर द एवोल्यूशन, मीन्स आपके जो भी धरती पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती थी। तो द बिग क्वेश्चन इज इन योर माइंड कि हाउ यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट, ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो इसके पीछे थ्योरी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज कि हाउ यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट और व्हाट इज इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, मीन्स किसी सेल के अंदर जाकर के फिट हो जाना या किसी सेल के अंदर सिम्बायोसिस मिलजुल करके साथ में रहना, इस तरीके से आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, इंडो मीन्स अंदर, सिम्बायोसिस मीन्स साथ साथ। तो कहीं ना कहीं इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी ये बताती है या ये शो करती है कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन हुई है, ठीक है। तो हम लोग इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी से इसको देखेंगे। आपका इंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है वन लिविंग सेल साइट एनदर, ठीक है, एक सेल के अंदर दूसरी सेल रह रही हो। तो कहा जाता है कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन जो भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल थी वो एक एनवलप सिस्ट, एक जो है आपके इस तरीके से एक सेल एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड हो गए, एक मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बंद हो गया और बाद में जा करके ये इस मेम्ब्रेन के अंदर एक सेल के अंदर दूसरी सेल आ गई, ठीक है, तो दोनों साथ साथ रहने लगे और फिर ये सेल ऑर्गेनेल में कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। वो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की या हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में कहा जाता है कि कोई एक बड़ी सेल थी, बिगेस्ट सेल थी, जिसने छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। वो सेल जो बड़ी सेल थी वो इटसेल्फ अपने आप में कोई प्रोकैरियोटिक सेल थी, उस बड़ी बिग प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटी छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया और इंगल्फ करने के बाद इस बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ इन छोटी प्रोकैरियोटिक सेल का भी वन लिविंग सेल इनसाइड अनदर, ठीक है, साथ साथ डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से साथ साथ डेवलपमेंट होने के बाद
यूकैरियोटिक सेल की जो है वो ओरिजिन हुई, ओरिजिन हुई, और जो भी आपका जो भी आपके प्रोकैरियोटिक छोटी सेल थी वो फिर फर्दर सेल ऑर्गेनेल में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास पास अपना ओन डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना ओन डीएनए होता है, ठीक है, इनके पास भी अपना ओन डीएनए होता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के द्वारा हुई है। तो होप सो आप बात को समझे होंगे। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। हम लोगों ने इसमें डिफरेंस देखा दोनों के बीच में और यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन के बारे में स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।